हरियाणा के जिंद में नौकरी की मांग कर रही एक महिला ने बस स्टैंड से एक बस को बाहर निकलने से रोक दिया। महिला ने वहां जमकर हंगामा किया और राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों पर खुद को परेशान करने का आरोप लगाया, जिसके बाद सड़क परिवहन विभाग के अधिकारियों से नाराज महिला ने हरियाणा से दिल्ली की ओर जा रही एक बस को बस स्टैंड से बाहर निकलने से पहले ही रोक दिया और जमकर हंगामा करने लगी। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई, पुलिस को भी बुलाया गया, लेकिन महिला ने अपना हंगामा जारी रखा। जानकारी के मुताबिक महिला राज्य परिवहन विभाग में लंबे समय से नौकरी की मांग कर रही है। उसने अधिकारियों पर उसे परेशान करने और सुबह से रात तक बैठाए रखने का आरोप भी लगाया। साथ ही महिला ने परिवहन मंत्री KL पवार को भी निशाने पर लिया। महिला ने राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों पर सिफारिश मंत्री फोन करे कृष्ण लाल रात के 12 बजे, बेटा जा तेरा काम हो गया, बड़ा CM करे, बैठ जाओ 15 मिनट बैठ जाओ, घंटा बैठ जाओ, साला 3 दिनों में 10 दिनों के अड़े बैठी नू, सवेरा बैठावे शाम के 9 बजे काट दिया रहता है, रात के 12 बजे बजे हमें घर आवड़ा, हमने कौन उठते घर आते मैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती का लगातार 10वां दिन भी जारी है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने के बाद घरेलू स्तर पर तेल की कीमतें घटी हैं। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 40 पैसे और डीजल की कीमत में 35 पैसे की कटौती हुई है। इस कटौती के साथ दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल 80 रुपए 45 पैसे का मिल रहा है, जबकि डीजल 74 रुपए 38 पैसे का मिल रहा है। दिल्ली के साथ साथ मुंबई में भी तेल की कीमतों में कमी आई है। मुंबई में भी पेट्रोल की कीमत में 40 पैसे की कमी हुई है, तो वहीं डीजल की अगर बात करें तो उसमें 37 पैसे की कमी आई है। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश भर में पेट्रोल के दामों में लगातार बदलाव देखने को मिले हैं। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के दादर स्थित भारत पेट्रोलियम के सामने, जहां हम जानेंगे कि आज मुंबई में पेट्रोल के दाम क्या है। तो हम आपको बता दें कि आज मुंबई में पेट्रोल जो है वो 40 पैसों की कमी जो है वो पेट्रोल की कीमतों में आ चुकी है। आज पेट्रोल के दाम जो है वो प्रति लीटर 86 रुपए 2 पैसे है, जबकि कल पेट्रोल जो है वो 86 रुपए 42 पैसे था प्रति लीटर, यानी कि पूरे 40 पैसों की कमी जो है वो पेट्रोल के दामों में आई है। जबकि डीजल जो है वो आज प्रति लीटर 78 रुपए 6 पैसे है, जबकि डीजल जो है वो कल प्रति लीटर 78 रुपए 43 पैसे था, यानी कि डीजल में भी 37 पैसों की कमी आई है। पिछले 10 दिनों से लगातार मुंबई में पेट्रोल के दामों में कमी आने के कारण लोग काफी खुश है। जर्नलिस्ट विक्रम सावंत के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती से अब लोग राहत महसूस कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के गीता कॉलोनी के एक पेट्रोल पंप पे। मैं आज आपको बता दूं कि आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में जो है कटौती की गई है। आज जो है पेट्रोल के दाम है 80 रुपए 45 पैसे, और अगर हम कल की बात करें तो 80 रुपए 85 पैसे थे, यानी आज पेट्रोल में 40 पैसों की गिरावट की गई है। और अगर वहीं हम डीजल की बात करें तो डीजल के दाम आज 74 रुपए 38 पैसे है, और जो कल डीजल के दाम थे वो 74 रुपए 73 पैसे थे, यानी डीजल में आज 35 पैसे की गिरावट की जा चुकी है। आपको बता दें लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाया जा रहा था, और अब इन बढ़ते घटते दामों से जो लोग हैं वो राहत महसूस कर रहे हैं। लोगों से पूछते हैं सर लगातार बढ़ते और पेट्रोल और डीजल के दामों से अब घट रहे हैं, कैसा लग रहा है? अब सब कुछ बेहतर लग रहा है, पहले से राहत महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल राहत महसूस हो रही है। आपको बता दें कि डीजल के पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम जो 84 के पार चले गए थे, अब जो है वो 80 रुपए कुछ पैसे रह गए हैं, इससे लोग अब राहत महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नकुल शर्मा के साथ निकट अली, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। उधर दिल्ली के पश्चिम विहार में 2 बुजुर्ग बहनों की हत्या के मामले को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझाने का दावा किया। पुलिस ने डबल मर्डर के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि इस हत्याकांड को प्लम्बर अखिलेश ने लूटपाट के इरादे से अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। पुलिस को आरोपियों का सुराग सोसाइटी में लगी CCTV से मिला, जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले प्लम्बर को गिरफ्तार किया। इसके बाद प्लम्बर अखिलेश की निशानदेही पर 3 और आरोपी पकड़े गए, जिनसे पुलिस ने लूट का सारा माल बरामद करने का दावा किया। 24 अक्टूबर को पश्चिम बिहार के आनंद वन सोसाइटी में रहने वाली उषा पाठक और आशा पाठक की हत्या गला दबाकर की गई, जिसकी जानकारी इनके घर में काम करने वाली मेड ने सबसे पहले पड़ोसियों को दी थी। इसमें टोटल 6 लोग इन्वॉल्व है प्लानिंग और पूरे एग्जीक्यूशन में। अभी 4 लोग हमारा गिरफ्त में आ गया। हमें ज्वेलरी और बाकी कितना भी घर से सामान चोरी हुआ है वो रिकवर भी हो गया है, और अभी 2 की बाकी 2 अक्यूज अभी बचा है, उनके लिए अभी हमारा टीम ऑलरेडी अलग अलग जगह पे इनका हाइडआउट पे रेड जारी है। दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक,
जो इसमें संदिग्ध है उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर हो चुकी है, कुछ अभी और बाकी है जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि 6 आरोपी इसमें बनाए गए थे, क्योंकि जो मुख्य मास्टरमाइंड जो इस पूरे केस में था वो है प्लम्बर, और प्लम्बर को 23 तारीख को ही काम पर बुलाया गया था, जिसके बाद उसने 24 तारीख को ही इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया था और अपने साथियों के साथ दिया था, जिसके बाद इसने, क्योंकि पहले दिन ही प्लम्बर का काम करने आया था, घर में सारी चीजें रेकी करी कि घर में कितना कैश हो सकता है, कितनी ज्वेलरी हो सकती है, और इसी वजह से इसने वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी इसके 2 साथियों और जिनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाए। शुक्रिया दीपक। मुंबई के वडाला रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई एक लड़की की हत्या से जुड़ा एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या के मामले को 48 घंटों में सुलझाने का दावा किया। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने वडाला रेलवे स्टेशन के मिले सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक वीडियो में साफ दिखा कि हत्या से पहले लड़का स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के अंदर घुसा, तभी कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने फुटेज के आधार पर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और दावा किया कि हत्या की वजह प्रेम प्रसंग से जुड़ी थी। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी मंकेश सरजने और मारे गए लड़के महफूजुल शेख के एक ही लड़की से प्रेम संबंध थे। इसकी वजह से दोनों के बीच पहले भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, जिसके बाद बुधवार को आरोपी ने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर महफूजुल शेख की चाकू मारकर हत्या कर दी। कोर्ट ने 7 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया। तो हत्या की वजह जो अभी तक सामने आ रही है, प्रेम संबंध, दोनों एक ही लड़की से प्रेम करते थे, जिसके कारण कई बार इनकी पहले भी लड़ाई और झगड़े हो चुके थे, जिसके बाद अब 7 आरोपी जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ पुलिस कस्टडी में भी भेज दिया गया है। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि पकड़े गए लोग विदेशी नागरिकों को टैक्स के नाम पर डरा धमका कर अपना शिकार बनाते थे। मामले की रिपोर्ट मिलने के बाद नोएडा पुलिस ने सेक्टर 63 में चल रहे कॉल सेंटर पर दबिश दी, जहां से पुलिस ने 31 लोगों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 34 कंप्यूटर, 4 चेकबुक, 21 ATM कार्ड और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर यह दावा किया कि ये लोग इससे पहले अहमदाबाद में भी इसी तरह के काम करते थे, लेकिन वहां पर लोगों को शक होने के बाद ये लोग नोएडा आ गए। पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड को भी अरेस्ट करने का दावा किया। मुख्य रूप से इनका काम ये था कि ये फॉरेन नेशनल्स को कॉल करके उनको ये धमकाते थे कि आपके पास ये टैक्स की ये लायबिलिटी है और आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया गया है, आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनको उनके थ्रू जो है उनको धमकी देके उनको बेसिकली इनको जो है वहाँ के टैक्सेशन लॉज के बारे में कुछ जानकारी, बेसिक जानकारी थी इनको। उधर उत्तर प्रदेश के बलिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की एक मार्केट में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक आग की चपेट में कई दुकानें आ गई। इस दौरान वहां मौजूद लोग दुकानों के ऊपरी हिस्से में रह रहे लोगों से बाहर आने के लिए कहते सुने गए। बताया जा रहा है कि मार्केट में छोटी बड़ी करीब 2 दर्जन से अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, जिनमें कई दुकानें आग में राख हो गई। हालांकि करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और सभी लोगों को सही सलामत बचा लिया गया। इन तस्वीरों से ये जाहिर हो सकता है कि आग कितनी भयानक रही होगी। कई इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दुकानें थी वो इसकी चपेट में आ गई। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी प्रकार से लोग जो थे वहां पर उनको निकाला जा सका और सभी सही सलामत हैं। मुंबई के ग्रांड रोड इलाके में गलत दिशा में जा रही बाइक कार से टकरा गई। कार से टक्कर लगने के बाद बाइक सवार उछलकर सड़क के दूसरी तरफ बने डिवाइडर से टकरा गया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाइक सवार अपनी लेन पर चलने के बजाय गलत दिशा से बाइक लेकर जा रहा था, लेकिन तभी वहां से मुड़ रही कार से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बाइक सवार रॉन्ग डायरेक्शन से आ रहा था, जिसके बाद एक गाड़ी जो कि जैसे मुड़ती है वैसे इसकी टक्कर इस बाइक सवार से होती है और ये उछल कर जाके गिर जाता है, जिसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मुंबई की ये तस्वीर, जहां पर कार की टक्कर से ये बाइक सवार
किस तरीके से गिरता है, तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद हालांकि इसको तुरंत आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत में इस वक्त ये बाइक सवार है। आपको बता दें, रॉन्ग डायरेक्शन से ये बाइक लेकर आ रहा था, उसी समय एक गाड़ी जैसे ही मुड़ती है उससे ये टकरा जाता है और उसके बाद उछल कर अपनी बाइक से दूर गिर जाता है, जिसके बाद वहां जो लोग थे उन्होंने आनन फानन में उसे उठाया और अस्पताल में भर्ती कराया। तो मुंबई की ये तस्वीर जहां पर एक कार से एक बाइक सवार की टक्कर हो गई। ओडिशा के डेंकनाल जिले में बिजली के तार की चपेट में आने से 7 हाथियों की मौत हो गई। बताया गया कि कुछ 13 हाथी बिजली के तार की चपेट में आए थे, जिनमें 7 हाथियों की मौत हो गई। 7 में से मारे गए 5 हाथी एक पानी के गड्ढे में पड़े मिले, जबकि 2 हाथियों का शव उनसे कुछ दूरी पर मिला। बताया गया कि डेंकनाल जिले के कमलंगा गांव में 13 हाथी का झुंड अचानक बिजली के तार के करीब चले गए, जिसके बाद करंट लगने से 7 हाथियों की मौत हो गई। इसके बाद गांव वालों ने वन विभाग को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग ने 7 हाथियों के शव को भर्ती कर उस जख्मी हाथियों का इलाज करवाने के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। 13 हाथी जो करंट की चपेट में आए, जिसके बाद इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को भी दे दी गई। ओडिशा की तस्वीर, करंट लगने से 7 हाथियों की मौत हो गई, उनमें से 5 हाथी गड्ढे में ही गिरे नजर आए, बाकी 2 हाथी कुछ दूर पर गिरे हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि डेंकनाल जिले के कमलंगा गांव में 13 हाथी का ये झुंड था जो अचानक बिजली के तार के करीब चला गया, जिसके बाद करंट लगने से 7 हाथियों की मौत हो गई। हालांकि और जो हाथी घायल थे बाकी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही साथ वन विभाग ने 7 हाथियों के शव को भर्ती, जख्मी हाथियों को इलाज के लिए भर्ती करा दिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यमुना नदी के घाट पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को नदी के पानी को गंदा ना करने का संदेश दिया गया। इस दौरान यमुना नदी में नालों का पानी छोड़े जाने का विरोध भी किया गया, जिसके लिए लोग यमुना नदी के घाट पर जुटे। एक समिति के लोगों ने नुक्कड़ नाटक की मदद से नदी के पानी में गंदगी न फैलाने का संदेश दिया। इसके साथ ही समिति के लोगों ने यमुना के एक घाट पर स्वच्छता अभियान चलाना और लोगों से श्रम दान भी करवाया। इस बीच कुछ संतों ने यमुना में गंदा पानी मिलाए जाने का विरोध भी किया। इसको सफाई अभियान के तौर पर नहीं बल्कि संघर्ष के रूप में स्वीकार करें और इसकी पहल करें। ये हमारी आज की शुरुआत है और ये जब तक ये नालों को नहीं रोका जाएगा तब तक हम लोगों की ये पहल चलती रहेगी। इसमें पूरा हम लोग संकल्पबद्ध हैं कि ये चारों नालों को जब तक ये टेप नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसके संघर्ष की जो है रूपरेखा बना करके कुछ न कुछ यहाँ पे करेंगे। जरूरत पड़ेगी सरकार के, शासन के और न्यायालय के भी शरण लेंगे। तो उत्तर प्रदेश में नदी में जिस तरीके से नाले का पानी जाता है उसके खिलाफ यहां विरोध करते हुए लोग नजर आए, साथ ही साथ एक संदेश देते हुए सफाई अभियान का, और लोगों से कहा कि आप इसमें श्रमदान भी कुछ लोग थे जिनसे करवाया, और साथ ही साथ कहा कि संकल्प लेना चाहिए कि हमें नदी को साफ रखना है। इस बीच कुछ संत भी वहां मौजूद थे जिन्होंने यमुना में गंदा पानी मिलाए जाने का विरोध किया। ग्रेटर नोएडा में मुंगेर की सांसद वीणा देवी और पूर्व सांसद सूरज भान सिंह के बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया गया कि तेज रफ्तार की वजह से उनकी गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। तो एक सड़क हादसा जिसमें सांसद के बेटे की मौत की खबर है। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में मुंगेर की सांसद वीणा देवी और पूर्व सांसद सूरज भान सिंह के बेटे की सड़क हादसे में मौत हुई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार थी उनकी गाड़ी, जिसकी वजह से गाड़ी अचानक से बेकाबू हो गई और बेकाबू होकर वो डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। मुंगेर की सांसद के बेटे की मौत की खबर एक सड़क हादसे में आ रही है सामने, जिसके बाद आपको बता दें उनकी जो गाड़ी थी वो तेज रफ्तार में थी, बेकाबू हो गई, डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद सांसद के बेटे की मौत की खबर है।
आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में मुंगेर की सांसद वीणा देवी और पूर्व सांसद सूरज भान, उनके बेटे सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनकी गाड़ी बेहद तेज रफ्तार में थी, जिसकी वजह से अचानक से जो गाड़ी थी वो बेकाबू हो गई। बेकाबू होकर वो कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद उनकी मौत की खबर मिल रही है। भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार आरोपियों वरनान और परेरा को आज पुणे की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस रिमांड की मांग करेगी। 28 अगस्त से हाउस अरेस्ट में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अरुण परेरा और वरनान को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुणे सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को तीन कार्यकर्ताओं अरुण परेरा, सुधा भारद्वाज और वरनान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने अरुण और वरनान के हाउस अरेस्ट की अवधि को भी बढ़ाने से इनकार कर दिया। आशीष सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या जानकारी? जी अरबन नक्सल मामले में जो है ये फिलहाल जो है गिरफ्तारियां की गई हैं। वर्णन गंजालविस और साथ ही साथ अरुण परेरा की गिरफ्तारी की गई है, जिन्हें आज जो है वो पुणे सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस मामले में पहले ही पुणे पुलिस की जो किरकिरी हुई थी उसे रिकवर करने की कोशिश साफ तौर पर दिखाई पड़ेगी। पुलिस जो है इन दोनों की ही रिमांड लेने की कोशिश करेगी, साथ ही साथ सुधा भारद्वाज के ट्रांजिट रिमांड के लिए जो है वो पुणे पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से अरबन नक्सल केस में साफ तौर में उभर कर आया था कि जो है अरुण परेरा, वर्णन गोंजाल्विस, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, साथ ही साथ जो अन्य आरोपी हैं, इनके कहीं न कहीं एक पूरा सिंडिकेट ऑपरेशन हो रहा था, माओवादियों से संबंध थे। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी तक को मारने की जो है पूरी साजिश का ताना बाना रचा गया था, जिसके तहत जो है इस पूरे मॉड्यूल को जो है वो पुणे पुलिस ने जो है वो क्रैक किया था। भीमा कोरे गांव के मामले में जिस तरह से इनकी भूमिका सामने आई थी कि ये भीमा कोरे गांव के पूरे जो हिंसा हुई उसमें ऑपरेट करने में सबसे अहम भूमिका निभा रहे थे, उसके मद्देनजर जो है पुलिस ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो है लड़ाई लड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है हाउस अरेस्ट की वजह से जो है पुलिस को इस मामले में पूरा झटका लगा हुआ था। लेकिन आखिरकार जब इस मामले में मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने और साथ ही साथ हाई कोर्ट ने जो है इन्हें जमानत देने से मना कर दिया, तो उसके बाद और हाउस अरेस्ट की जो है वक्त जो है वो पूरी तरह से खत्म होने के बाद आखिरकार पुणे पुलिस ने कल इन्हें गिरफ्तार किया है। इन्हें आज पुणे में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इन्हें इनकी कस्टडी लेने की तैयारी जो है वो पुलिस जुटी हुई है। आशीष, तकरीबन कितने बजे तक अदालत में पेश किया जाएगा? जी तकरीबन 11:30 का वक्त जो है वो बताया जा रहा है कि 11:30 बजे के करीब जो है उन्हें पुणे की सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इसके बाद जो है कहीं ना कहीं पुणे पुलिस की एक टीम इस वक्त दिल्ली रवाना हुई है, जो वहां पर सुधा भारद्वाज की जो है वो ट्रांजिट रिमांड लेने की तैयारी में है, ताकि उनकी भी कस्टडी लेकर उन्हें पुणे लाया जा सके। शुक्रिया आशीष। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने आतंकवाद फैला रहे पाकिस्तान को बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंक का रास्ता नहीं छोड़ेगा तो सेना को अलग तरह से जवाब भी देना आता है। उन्होंने कहा आतंक फैलाने का नुकसान पाकिस्तान को ही उठाना होगा। अगर पत्थर से वो हमारे जवान को मार सकते हैं तो क्या पत्थरबाज इस तरह के खुद आतंकवाद नहीं बन रहे? इसीलिए हम तो उनको यही कहना चाहेंगे कि पत्थरबाजी से किसी का फायदा नहीं होगा, नुकसान सिर्फ पत्थरबाजों को ही होगा। देखिए अब हमने क्या किया है, इसीलिए हमने क्या किया, सबसे पहले FIR लॉन्च किया, क्योंकि हर वक्त हमारे खिलाफ FIR हो जाता है। हम उनको बताना चाहते हैं कि जो पत्थरबाज इस तरह की कार्रवाई करते हैं, हमारे जवानों को चोट भी लगती है, लेकिन इस वक्त तो एक जवान की मौत हो गई। और अगर किसी जवान की पत्थरबाजी से मौत हो जाती है तो उन नौजवानों पर जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई करी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज की ताज़ा खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।